सैलरी। इस चैप्टर में अब तक अपन बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, किसी कर्मचारी के जो भत्ते हैं उन भत्तों में कुछ भत्ते कर मुक्त हैं, कुछ भत्ते कर योग्य हैं। अब तक अपन ने ये देखा कि मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, किस तरह से कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगा और कितनी राशि कर होगी, इस सब के प्रावधान अपन ने डिटेल में देखे। इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे अपन, लेकिन इससे पहले जो भत्ते पूर्ण रूप से कर योग्य, फुल्ली पेड अप, फुल्ली टैक्सेबल जो अलाउंसेज है उनको अपन ने कल लिस्ट देखी थी। आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं कि ऐसे कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो किसी सीमा के आधार पर कितनी राशि कर मुक्त होगी। यह प्रावधान अलग अलग दो बिंदु में दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखें कि ऐसे भत्ते किसी कर्मचारी को मिल रहे हैं जो वो अपने कर्तव्य पालन हेतु जो खर्चे करता है उसकी पूर्ति के लिए, यानी जो ऑफिस वर्क करता है, जो नियोक्ता के यहाँ जो कार्य करता है, जो उसकी कार्य की सेवा करता है, उसके अनुसार वो जो कर्तव्य पालन में अगर कोई खर्चे करता है तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए उसको नियोक्ता से भत्ते मिलते हैं। और ये भत्ते धारा 10-14 नियम 2 BB में कितनी राशि कर मुक्त होगी और ये कौन कौन से भत्ते हैं इनकी अपन आज यहाँ डिटेल लेते हैं। इसके अलावा जो निजी व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ते मिलते हैं, यानी कर्मचारी अपने निजी कार्य के लिए जो खर्चे करता है उसकी पूर्ति के लिए भी नियोक्ता से भत्ते मिलते हैं, वो धारा 10-14 नियम 2 BB के अनुसार अधिकतम कितना कर मुक्त होगा उसकी लिमिट दी हुई है। और इसमें कौन कौन से तरह के भत्ते आएंगे, किस किस कार्य के लिए, किस किस व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ते आएंगे, इसकी लिस्ट अपन आज यहाँ देखेंगे। तो आज ये अपन दो पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनको कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्तव्य पालन के लिए, ऑफिस ड्यूटी के लिए जो खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति के लिए नियोक्ता से जो भत्ते कर्मचारी को मिलते हैं वो कर मुक्त कैसे करेंगे, इसके लिए आप दो अमाउंट निकालेंगे। जो एक्चुअल अलाउंस जो रिसीव हुआ है, एक्चुअल अलाउंस रिसीव, और दूसरा अमाउंट ये देखेंगे कि जिस कार्य के लिए, जिस व्यय के लिए खर्चा, खर्चे के लिए ये भत्ता दिया गया है उस पर एक्चुअल खर्च कितना हुआ। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस और द पर्पस, व्हिच एवर इज लोअर ए और बी एग्जेम्प्ट अमाउंट। यहाँ पर देखिए कि जो भत्ते की एक्चुअल राशि गत वर्ष में मिली है उसको वो दी होगी, और जिस पर्पज के लिए ये भत्ता दिया गया है उसमें वास्तविक खर्च कर्मचारी ने कितना किया, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर मान लीजिए जो एक्चुअल अलाउंस है वो ज़्यादा हुआ और खर्चा कम किया, तो इसका मतलब जितना अलाउंस कर्मचारी बचा लेता है वो उसके लिए टैक्सेबल है। अगर वो खर्चा ज़्यादा करता है और अलाउंस कम मिलता है तो जितना एक्चुअल अलाउंस मिला है वो ही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो अमाउंट अपन क्वेश्चन में देखते हैं। अगर किसी प्रश्न में एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा तो अपन ये मानेंगे कि जितना भत्ता उसको मिला है वो उसने पूरा खर्च कर दिया, और जब पूरा खर्च कर दिया तो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। तो इन दो में से जो अमाउंट कम होगा वो कर मुक्त होगा। अब देखिए इस कैटेगरी में कौन कौन से भत्ते आते हैं, धारा 10-14 2 BB में जो कवर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रेवलिंग या ट्रांसफर अलाउंस, ट्रेवलिंग या ट्रांसफर अलाउंस, यात्रा भत्ता, कर्मचारी ऑफिस के कार्य से जाएगा उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा,
या उसका ट्रांसफर हो जाता है तो उसको अपना ट्रांसफर के लिए, अपना घर का सामान ले जाने के लिए उसको ट्रांसफर अलाउंस मिलता है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। खर्चे के अनुसार उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। दूसरा देंगे कन्वेंस अलाउंस, सवारी भत्ता, और ये सवारी भत्ता उसको किस कार्य के लिए मिल रहा है, ऑफिस के कार्य से नहीं जा रहा है। अगर वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए भत्ता मिलता है तो वो इसमें नहीं आएगा, ये अपने कार्य के लिए भत्ता, ऑफिस कार्य के लिए जो कन्वेंस अलाउंस है सवारी भत्ता वो आएगा। तीसरा देखिए डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता, जब वो ऑफिस कार्य से बाहर जाएगा तो उसके जो दैनिक खर्चे हैं उसको चुकाने के लिए जो अलाउंस मिलता है वो डेली अलाउंस, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। चौथा देखिए हेल्पर अलाउंस, अगर ऑफिस कार्य में उसके कार्यों के लिए अगर कोई सहायक दिया गया है तो उस सहायक के लिए जो खर्चा होता है उसकी पूर्ति के लिए जो भत्ता मिलेगा वो भी इस कैटेगरी में आएगा। पांचवा देखिए रिसर्च अलाउंस, जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या ऐसे कंपनियां हैं जिनमें रिसर्च वर्क होता है तो रिसर्च कार्य के लिए जो खर्चा दिया जाएगा उसकी पूर्ति के लिए जो भत्ता दिया जाएगा वो इस कैटेगरी में आएगा। और छठा है यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस जो कार्य पर आने के लिए और यूनिफॉर्म पहन के आएगा उसको मेंटेन करने का जो खर्चा हो रहा है उसके लिए अलाउंस मिलेगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ये छह भत्ते ऐसे हैं कि जो कर्तव्य पालन के लिए जो खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो इन छह भत्तों में से अगर कोई भत्ता गत वर्ष में कर्मचारी को मिला है तो वो इस नियम के अनुसार कर्म करेंगे, जितनी राशि खर्च की वो पता करेंगे और जितना अमाउंट मिला होगा उसको देखेंगे, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जितना रिसीव हुआ उसमें से एग्जेम्प्ट घटाएंगे तो टैक्सेबल आएगा। अब आइए निजी व्ययों की पूर्ति के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं वो धारा 10 14 नियम 2BB2 में दिए गए, और इस नियम के अंतर्गत जो भत्ते की कर मुक्त राशि होगी उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि जितना एक्चुअल भत्ता मिला उसको उसको अपन कंपेयर करेंगे कि इस नियम में अधिकतम सीमा कितनी है, यानी उस अधिकतम मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा कर मुक्त नहीं होगा। तो हर भत्ते की अपनी अपनी लिमिट दी हुई है, उस लिमिट से ज़्यादा कर मुक्त नहीं होगा। अगर भत्ता उसे कम मिला है तो पूरा कर मुक्त हो जाएगा, अगर भत्ता उस लिमिट के बराबर मिला है तो भी पूरा कर मुक्त हो जाएगा, और अगर भत्ता उस लिमिट से ज़्यादा मिला है तो लिमिट तक का अमाउंट ही कर मुक्त होगा और बाकी बचा हुआ अमाउंट कर योग्य होगा। तो ये ऐसे कौन कौन से भत्ते हैं जो इस कैटेगरी में इस नियम के अंतर्गत आएंगे, तो इसकी एक लिस्ट देखते हैं और उनकी लिमिट देखते हैं कि वो किस तरह से आयकर के अनुसार कर मुक्त होगा। इसमें सबसे पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए कर्मचारी को जो भत्ते मिलेंगे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। इस अलाउंस की जो अधिकतम सीमा है वो है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर टू चिल्ड्रन, मैक्सिमम फॉर टू चिल्ड्रन, दो बच्चों तक का ही कर मुक्त हो, अगर दो से ज्यादा बच्चों के लिए मिल रहा है तो वो पूरा कर योग्य। इतनी लिमिट तक 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे का एक महीने का 100 रुपए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लें कि किसी कर्मचारी को 150 रुपये पर मंथ कम जो है नियोक्ता से अलाउंस मिल रहा है पर मंथ और पर चाइल्ड, और मान लीजिए उसको 3 बच्चों के लिए मिल रहा है
तो अगर अपन कैलकुलेट करें कि उसको रिसीव अमाउंट कितना होगा, देखिए रेट 150 पर मंथ, 12 महीने का हो गया 1800 रुपये, और तीन बच्चे का हो गया 5400, यानी एक बच्चे का 1800, तीन बच्चे का हो गया 5000। अब कितना पर मंथ होगा, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, तो 100 रुपये के हिसाब से अगर देखें अपन, तो जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगा वो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपये एक साल। लेकिन ये अधिकतम दो बच्चों के लिए कर मुक्त हो सकता है, दो बच्चों के लिए होगा 2400, तो इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 3000, ये टैक्सेबल अमाउंट आता है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अधिकतम सीमा ये है और बच्चों की संख्या के अनुसार अधिकतम कितना अलाउंस एग्जाम कर सकते हैं, ये इसलिए मैं दिया हुआ है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि यहाँ उसको 80 रुपये ही मिल रहे हैं, 80 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तीन बच्चों का, अब देखिए इसमें रिसीव कितना होगा। अगर अपन रिसीव का अमाउंट कैलकुलेट करें तो 80 रुपये पर मंथ 12 महीने का 960 रुपये हो गया, और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 960 × 3 तो ये हो गया 2880 रुपये, 2880 रुपये उसको अलाउ करें। लेकिन एग्जाम कितना कराएंगे, अधिकतम 100 रुपये, लेकिन यहाँ पर देखिए अधिकतम से कम मिल रहा है, तो जितना मिलेगा उतना ही एग्जाम करेंगे, तो 80 रुपये के हिसाब से एग्जाम करेंगे 12 महीने, लेकिन वही दो बच्चों का ही करेंगे, तो 960 एक बच्चे का, तो 1920 हो गया दो बच्चे, तो आप देखिए यहाँ पर 960 रुपये टैक्सेबल हो, तो ये टैक्सेबल अमाउंट आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस लिमिट से कम पैसा मिलता है अलाउंस के रूप में तो वही एग्जाम देगा, और लेकिन होगा दो बच्चों का। तो इस तरह से अपन ये कैलकुलेशन करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो लिमिट आ गई अपने सामने कि 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम फॉर टू चिल्ड्रन। इसी तरह है हॉस्टल अलाउंस, अगर कर्मचारी के बच्चों को एजुकेशन के लिए हॉस्टल में रखा जाता है तो उनकी खर्चे की पूर्ति के लिए अलाउंस नियोक्ता से मिलेगा, अगर वो मिलता है गत वर्ष में तो कितना अधिकतम कर मुक्त होगा, इसकी लिमिट है 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और ये भी मैक्सिमम फॉर टू चिल्ड्रन, मैक्सिमम फॉर टू चिल्ड्रन 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम जो एग्जेम्प्ट होगा अधिकतम सीमा है ये कर मुक्त होने की, तो वो दो बच्चों का ही होगा, अगर दो बच्चों से ज़्यादा मिल रहा है तो दो बच्चों का ही कर मुक्त करेंगे, अगर 300 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है तो 300 रुपये के हिसाब से दो बच्चों का जितना आएगा कर मुक्त करेंगे, 300 से कम मिल रहा है तो पूरा आइटम एग्जाम हो जाएगा लेकिन दो बच्चों का। तो इस तरह से ये दो अलाउंसेज ऐसे हैं जिनकी लिमिट अपने को दे रखी है, उसके अनुसार अपन कर मुक्त करती। थर्ड देंगे